वहीं समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बाबा बागेश्वर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, आरएसएस कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, संघ प्रमुख जोड़ने की बात करते हैं, वो कहते हैं यहां पर रहने वाले हर एक शख्स का डीएनए एक है और ये हिंदू राष्ट्र है, यहां रहने वाले हर कोई जो लोग हैं वो हिंदू हैं, कोई डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा था जी कि यह देश 130 करोड़ का जो समाज है वह हिंदू समाज है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आप किसी और धर्म के हो सकते हैं, इन सब की उपासनाओं का पालन करने के बाद भी आप हिंदू राष्ट्र में रह सकते हो। मोहन भागवत जी ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का है। मोहन भागवत जी का और संघ का भी यह मानना है कि 130 करोड़ लोग जो विभिन्न धर्मों के भी मानने वाले लोग हिंदू के अलावा, उन सबका डीएनए है कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनका डीएनए क्या रहा है। आप देखिए, जो मुस्लिम समाज विरोध इस बात का करता रहा है, उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं। यानी कुल मिलाकर समीर जी, ये भाई अपना खुद का सुपर मार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरएसएस प्रमुख या संघ की जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र को, उसमें ये कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये डिफरेंस है। डिफरेंस है, संघ का कहना है कि भारत भूमि में रहने वाला व्यक्ति जो जन जल जमीन जानवर से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, वह हिंदू राष्ट्र का निवासी है, वह हिंदू राष्ट्र का निवासी है, फाजिल किसी भी धर्म का हो सकता है, फाजिल अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, वह हिंदू राष्ट्र का नागरिक है। मैं आपके सामने वही कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात लाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह दावा किया जाता है, जब भी ये हिंदू राष्ट्र की बात आती है, इस तरह की मांग आती है, तो कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म वर्ड जो है वो एक अमेंडमेंट के तहत एक पॉपुलर गवर्नमेंट ने डाला था, न कि जो संविधान सभा है उसकी। तो उस दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक कह सकते हैं कि सरकार की ताकत में होने और ना होने का फर्क है? कोई ताकतवर सरकार संविधान को बदल सकती है, वही संविधान जिसका हवाला दिया जा रहा है? बहुत सही बात आपने कहा। इस देश में दो तरह का कानून है। पटना के अंदर कुछ लोग पकड़े गए जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। अगर मुस्लिम राष्ट्र कहने वाले को जेल भेज दिया जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कहने वाले को महिमा मंडित किया जाएगा। ये दो तरह की विचारधारा इस देश में चल रही है। कोई मुसलमान राष्ट्र की बात किया पटना क्या, आज भी जेल के अंदर पड़ा हुआ है वो, और खुलेआम एक बाबा जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको महिमा मंडित, सरकार के मंत्री लोग उसको वाहवाही कर रहे हैं और बैठे बगल में सारे लोग वाहवाही कर रहे हैं। ये कैसा कानून है देश में? किस लोकतंत्र को मान रहे हैं आप? सर, आप लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, नेपाल हिंदू देश था, आज उसने अपने को सेकुलर देश कर लिया, नेपाल ने बदल लिया, और आपको इतना गर्व, भारत पे गर्व है हमको, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, ये 125 करोड़ के मुख्तलिफ धर्मों को मानने वालों का देश है, हमें गर्व है इस देश पर, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। बिल्कुल ठीक बात है फाजल साहब, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा, लेकिन यहाँ पर 5 करोड़ लोगों ने हिंदू छोड़ दिया, आपके पास आ रही हूँ, लोग बुद्धिस्ट बन गए और 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे। देखिए फाजल अहमद साहब, आ रही हूँ आपके पास, हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से, जो बता रहे हैं कि वहाँ के आम लोग क्या सोच रहे हैं। एक मिनट फाजल अहमद, आ रही हूँ आपके पास, रुकिए तो सही। अरे सर, मौका मिलेगा आपको बोलने का। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।